I am S. K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. आज मैं ऐसा अनोखा सात फेरे सात वचन ऐसा अनोखा वीडियो लाया हूं, ये अंग्रेजी में आपको कहीं भी सही नहीं मिलेगा। आज देखें दो दो अंग्रेजी सही, सात फेरे और सात वचन के बिना शादी संपन्न नहीं हो सकती। सात फेरे और सात वचन प्रीस्ट के द्वारा कराए जाते हैं, अर्थात पंडित जी के द्वारा कराए जाते हैं। शादी में जोड़ा कपल पेयर होता है। अब पेयर और कपल में क्या अंतर है सुन लीजिए। रोमांटिक जोड़े को कपल कहते हैं और पेयर किसे कहते हैं, किसी भी चीज के जोड़े को जो एक से हो। ए पेयर ऑफ सीजर्स, जैसे कैची का जोड़ा, या किसी भी चीज के जोड़े को कह सकते हैं जो एक जैसे हो। लेकिन रोमांटिक जोड़े को यानी दंपति को कपल कहा जाएगा अंग्रेजी में। दोनों में डिफरेंस है। सात फेरे सात वचन देखें इसकी अंग्रेजी। पहली बार सेवन राउंड्स, मैंने दोनों अंग्रेजी दिए, सेवन राउंड सात फेरे एंड सेवन वाउस सात वचन। दूसरी अंग्रेजी देखें इसी की, सेवन सर्कमएम्बुलेशंस एंड सेवन प्रोमिसेस, सात फेरे सात वचन। दूसरी अंग्रेजी थी इसी की, द ब्राइड, ब्राइड माने दुल्हन, एंड ग्रूम या ब्राइड ग्रूम, दूल्हा होता है, हैव टू टेक सेवन राउंड्स अराउंड द सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के चारों तरफ दुल्हा दुल्हन को सात फेरे लेने होते हैं, इसके बिना शादी कंप्लीट नहीं मानी जाती है। सेवन वाउज आर प्रोमिसेज, वास्तव में जो सात वचन होते हैं वो सात प्रतिज्ञाएं हैं, दैट एवरी कपल हैव टू मेक टू ईच अदर, जो दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से करते हैं, निभाने की बात करते हैं कि हम जिंदगी भर इन वचनों को निभाएंगे। These seven vows say that the couple have to live together in good or tough time. बुरा हो या अच्छा समय हो, दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे जिंदगी भर, मरने तक। These seven vows, ये सात वचन कहते हैं कि दोनों सुख में और दुख में कैसे भी हो, कैसा भी बुरा समय आए, साथ निभाना है। अब देखें कपल, कपल युगल को कहते हैं, मैरिड कपल शादीशुदा जोड़ा। पेयर में और कपल में अंतर होता है। पेयर एक जैसी दो चीजों को कह सकते हैं, किसी भी चीज को, जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स कैंची का जोड़ा, या कोई ए पेयर ऑफ टॉन्ग्स चिमटा, चिमटे का जो जोड़ा होता है, दो चीजें जिसमें होती है, पेयर ऑफ कहलाएगा वो। अब देखें कपल माने युगल, मैरिड कपल शादीशुदा जोड़ा, प्रीस्ट पंडित को कहते हैं, रिचुअल किसे कहते हैं, रिचुअल रस्म रिवाज को कहते हैं, द मैरिज वाज परफॉर्म्ड विद ऑल रिचुअल्स विधि विधान, रिचुअल्स माने विधि, सारे विधि विधानों से शादी पूरी करी गई, यानी शादी पूरे विधि विधान से हुई। वेडिंग राइट, रीति संस्कार की अंग्रेजी भी राइट होती है। वेडिंग राइट विवाह संस्कार या रीति। अब देखें वेडिंग सेरेमनी, विवाह समारोह को कहते हैं, वेडिंग सेरेमनी विवाह समारोह। अब देखें मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिया है, एक और सेंटेंस सुन लीजिए, मैरिज इज ए कवर्ड डिश, मैरिज इज ए कवर्ड डिश, अर्थात शादी एक ढका हुआ पकवान है। अब देखें इसकी अंग्रेजी, जो एक ऐसा सेंटेंस है कि कभी अंग्रेजी में आपने देखा ही नहीं होगा, हिंदी में सुना होगा, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, दोनों पछताते, जो शादी कर लेते वो भी पछताते।
जो शादी नहीं करते वे भी पछताते हैं। अगला चीज देखें, मैरिज इज सच ए स्वीट बॉल। स्वीट बॉल की अंग्रेजी सुन लीजिए, स्वीट बॉल की हिंदी सुन लीजिए, लड्डू को कहते हैं। दैट वन हु ईट्स रिपेंट्स, जो इसे खाता है लड्डू को, शादी के लड्डू को, वो पछताता है। एंड द वन हु डज नॉट ईट इट, और जो शादी के लड्डू को नहीं खाता है, रिपेंट्स, वो भी पछताता है। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।